अपनी मोहब्बत को अगर आपने चीटिंग करते हुए पकड़ लिया है तो छोड़ दो उसको। आपको चाहे जितना रोना पड़े लेकिन छोड़ना ही सही है। इतना दिमाग में रखो, वो इंसान कभी बदलने वाला नहीं है। अगर आपने फिर से उसको एक और मौका दिया तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। वो इंसान तो कभी बदल नहीं पाएगा, लेकिन अगली बार वो चीजों को छुपाना बहुत अच्छे से सीख चुका होगा। वो आपको जान चुका है, पहचान चुका है, एक्सपीरियंस कर चुका है। उसको बस एक मौका चाहिए होता है जो आप दे देते हो, और इस बार उसको पता है कि किस तरह से इसको पागल बनाना है। आपको भनक भी नहीं लगेगी अगली बार वो चीटिंग को इस तरीके से परफॉर्म करेगा या करेगी। आपने तो उसको मौका दे दिया क्योंकि आप उससे सच्चा प्यार करते थे। एक बात दिमाग में बिठा लेना, चीटिंग गलती से नहीं होती है। गलती से हम वो सारी बातें किसी तीसरे बंदे से नहीं करते जो आपसे किया करते थे। ये सब जानबूझ के किया जाता है क्योंकि इंसान का मन भर जाता है, और अब सिर्फ यूज करने के लिए सामने वाले ने आपको रखा हुआ है। उसको पता है मैंने इसे गले में ऐसा पट्टा डाल दिया, कहीं जा नहीं पाएगी या जा नहीं पाएगा। इसलिए बार बार धोखा देते हैं, बार बार चीटिंग करते हैं, फिर भी आपके साथ रहते हैं। उनको पता है साला जाएगा कहां या जाएगी कहां पे, ले देके इसको मेरे पास ही आना है। इसलिए वो दबा के धोखा देते हैं, दबा के गलतियां करते हैं। उन्हें पता है लास्ट में माफ तो कर ही देगा या कर ही देगी। अगर वो इंसान आपसे कहता ना मेरी इस गलती को माफ कर दो, मैं अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, इतना दिमाग में रखो गलती अनजाने से होती है, और आपकी जगह किसी और को देना वो सब जानबूझ के होता है। गलतियां माफ करी जाती हैं, धोखे नहीं। रो लो मगर इनको दिल से निकाल दो, मौके पर मौके नहीं। चाहे जितने इनके आईडी पासवर्ड स्क्रीनशॉट ले लो, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। अगर आपको बार बार रोना नहीं है तो अपने आप को मना लो और इनको दफा करो, वरना इनका हर अगला दिया हुआ जख्म पुराने वाले जख्म से गहरा होता है। दोबारा मौका देने की कोई जरूरत नहीं है।